सारंग बहुत मधुर और अभी टाइम भी थोड़ा थोड़ा सारंग का आने तैयार रहते हैं। आपको सबको पता है सारंग क्या, कौन सा सारंग? वृंदावनी सारंग क्या? और हाँ नहीं, और नहीं कुछ, सिर्फ बेसिक सारंग के प्रकार ऐसे जब हम कहते हैं तो वृंदावनी सारंग के प्रकार नहीं कहते, हम कहते हैं सारंग के प्रकार। भैरव को तो हम कहते हैं भैरव के प्रकार, तोड़ी के प्रकार, अब ये क्या है? सारंग के प्रकार मतलब सारंग अंग के प्रकार, जिसमें सारंग अंग है वैसे प्रकार, वो वाले प्रकार। अब सारंग अंग जो है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आश्रय राग जो है दस, उनके दस अंग हैं। नारायण मोरेश्वर खरे जी ने ऐसे 30 अंग बनाए, आपको सबको पता होगा। तो 10 तो आश्रय रागों के आधार पर है, उसके पश्चात जो स्वतंत्र जो राग है जैसे केदार है, बिहाग है, बागेश्वरी, इनके भी अंग है। एक एक अलग अलग रागों में बागेश्वरी अंग है, केदार अंग है, नंद अंग है ना। तो वैसा ही काफी अंग जो है, काफी आश्रय राग है, बहुत बड़ा है, और काफी अंग केवल एक नहीं है। ये मैंने आपको कल बताया था कि मैं ये कल बताऊंगी ऐसा। जैसे भैरव अंग है ग ग म रे सा, ये भैरव अंग है, या कल्याणंदी रे ग कल्याण अंग है, रे ग रे सा, ये तोड़ी है, ऐसा एक एक अंग है। परंतु काफी जो है इसके 5 अंग है, काफी का केवल एक अंग नहीं है, काफी में 5 अंग है। ये थाट ही 5 अंगों का है, काफी थाट सबसे बड़ा है और ये 5 अंगों का थाट है। एक काफी, दूसरा धनश्री अंग, तीसरा सारंग अंग, चौथा मल्हार अंग और पांचवा कांगड़ा अंग। ये 5 अंग काफी थाट के अंतर्गत आते हैं, काफी, धनश्री, सारंग, मल्हार और कांगड़ा। इतने सारे राग, सारे कांगड़ा के प्रकार, सारे सारंग के प्रकार, सारे धनश्री अंग के प्रकार और सारे काफी अंग के, सारे प्रकार काफी थाट के अंतर्गत आते हैं। काफी थाट क्या है? गंधार निशा कोमल, मतलब काफी थाट सारंग में है क्या? वृंदावनी सारंग में गंधार है नहीं, निषाद है, कोमल गंधार नहीं है, पर वो काफी में है, थाट में है। क्या हुआ? चुहा तो नहीं? तो काफी थाट में सारंग है, ये आपको लगना चाहिए, ये मैंने नहीं पूछना चाहिए, आपको ये जिज्ञासा होनी चाहिए। जब आप पढ़ते हैं तब आपको ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि सारे म प नि सा सा नि प म रे सा में गंधार कहाँ है? नहीं है, फिर ये काफी में क्यों है? ये जिज्ञासा अपने को होना चाहिए और फिर उसके पीछे लगना चाहिए, या तो अपनी मैडम के पीछे लगना चाहिए, किताबों के पीछे लगो, या हम लोगों जैसे जैसों के पीछे लगो कि ऐसा क्यों है। ऐसा ही मैंने कल एक के पीछे लग के उनको पूछा था, कल नहीं काफी दिन पहले, कि ऐसा क्यों है? सा रे म प नि सा नि प म रे सा, ये तो ऐसा बिलावल वगैरह लगता है, म प नि सा, ऐसा चमकता हुआ राग है, ग नहीं है इसमें। तो फिर भी ये सारंग का प्रकार सारंग है और वो काफी के अंतर्गत है, ऐसा क्यों है? इसका उत्तर यह है कि जैसे भूपाली कल्याण कल सा रे ग प ग सा, इसमें कहाँ है मध्यम, तीव्रम है नहीं है, पर भूपाली कल्याण का है, या सा रे ग प ध, ये बिलावल है, सॉरी देशकार है और बिलावल में, पर नी है क्या बिलावल में, सॉरी देशकार में नहीं है, पर ये बिलावल है, ऐसा क्यों है? ये अपने को हमेशा जिज्ञासा होनी, और जिज्ञासा ही अपने को रिसर्च की तरफ मोड़ती है। आप एमए की छात्राएं हैं ना, तो केवल अब हम काय में पीएचडी करें मैडम हमको बता दीजिए, ये नहीं होना चाहिए, आपको जिज्ञासा होनी चाहिए। अब कल से मुझे ये जिज्ञासा, जब मैं ये अपना व्याख्यान के लिए मैं पढ़ रही थी, अध्ययन कर रही थी, तब से मुझे जिज्ञासा बहुत हो रही है कि मैं थाट पद्धति पे भी कुछ लिखूं,
और कुछ बोलूं। मुझे बहुत अब कल से ही लग रहा है कि बस अब ये हो गया, अब कल से मैं बोझ शुरू करूंगी थाट पद्धति पे, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी है और थाट जो ग्रंथों में जो थाट आए हैं वो बहुत अलग हैं, फिर भातखंडे जी ने अलग बनाए उनमें से लिए, वो अलग बने स्वरमेल कलानिधि के अलग हैं और उनमें से लिए, तो ये सब क्या है। पढ़ा तो था, जब पढ़ा तब बहुत सारा पढ़ा, लेकिन इतना वो ज़्यादा ऐसे क्रमानुसार पढ़ाई नहीं हो पाती। थाट पद्धति में अपन सिर्फ भातखंडे जी के 10 थाट, वो 6 इधर स्वर लिए 6 उधर, इसमें का ये निकाला उसमें का वो निकाला वगैरह वैसा करते हैं, ऐसा नहीं। ग्रंथों में थाट का क्या है और थाट पद्धति तो भातखंडे जी ने बनाई, उसके पहले ग्रंथों में वो राग कैसा था, उसका क्या थाट था, ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये जैसे मैंने आपको भूपाली और देशकार का उदाहरण दिया, वैसे ही सारंग का उदाहरण है कि यदि आप काफी के स्वरों में गंधार धैवत को, तो हमको जो तर्क देते हैं वो पूर्वांगवादी उत्तरांगवादी को जो नियम है कि जिस अंग में वादी स्वर हो तो वो एक्सेप्टेड है, तो वो सही बात है। सी, वो तो है, और उसका ये होता है कि आप कल्याण गाओ और उसमें ये निकाल लो मध्यम और निशान, और कल्याण मतलब दिमाग में कल्याण रखो और मध्यम निशान निकाल के, तो सारे गोप दशा के थ्रू भी यमन गा सकते हैं, यमन गा सकते हैं सर, उसका इफेक्ट वो आ जाता है। पर ये संगति है पाली की, जो परे संगति है वो कल्याण की, तो वैसा ही ये कहते हैं कि काफी में भाई इसको निकाल दिया जाए तो सारे मत ही सा होता है। तो ये बता रही हूँ कि पहले जो सारंग जो गाया जाता था, सबसे पहले वृंदावनी सारंग नहीं था जी, बेसिक जो गाया जाता था शास्त्रों के आधार पर वो मध्मात था, मध्मात सारंग पहले था, उसके बाद वृंदावनी सारंग है, और वो हरिदास जो थे स्वामी हरिदास उन्होंने रचा हुआ है। और वृंदावन में कृष्ण भगवान को जब खिलाते थे भोग लगाते थे तब ये राग गाते थे और बहुत गाते थे, और वो इतना गाते थे कि वो वहाँ फिर एस्टैब्लिश हो गया और इसलिए उसको वृंदावनी सारण कहा जाता है। स्वामी हरिदास तो वो कैसा है, तो मध्मात सारण जो था वो पहले था, उसके बाद वृंदावनी सारण हुआ, लेकिन जैसे जैसे मैं मियाँ की तोड़ी की बात कर रही हूँ या मियाँ मल्हार है, ये मल्हार अलग है और मियाँ मल्हार तानसेन में जो जो राग गाए वो बहुत एस्टैब्लिश होते हैं और उनको फिर बेसिक माना भी जाने लगा, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग ऐसे सब। लेकिन वृंदावनी सारंग की वो कल रामनवमी है, उसी के आधार पर मैंने ही ये गणेश बांधी है, आप सुनिए उसको। जन्म मनी
Yeah.
अंतर, अब सामंत और बड़हंस। देखिए सामंत सारंग जो है उसमें दहीवत का उपयोग है, दहीवत का उपयोग सामंत सारंग में है और दहीवत का उपयोग आपको भारतीय जी की बंदिशों में कहीं कहीं दिखता है, बहुत कम बहुत कम। मतलब इसका अर्थ यह है मतलब ध्रुपदों में दिखता है, ख्यालों में नहीं, छोटे बड़े ख्यालों में नहीं, तो ध्रुपद में दिखता है इसका मतलब वो बहुत पुरानी बात है। उसके बाद दैवत नहीं लिया गया, ख्याल में बिल्कुल नहीं लिया गया और फिर दैवत बगैर दैवत ये सारे मपनीसा सानी पमर ऐसा एस्टाब्लिश हुआ, तो ये सारंग है मेन। अब इसमें जब दैवत का उपयोग होता है तो वो होता है सामंत सारंग, मतलब वृंदावनी सारंग में दैवत का उपयोग करने के बाद सामंत सारंग होगा। वैसे ही सुर मल्हार भी है, सुर मल्हार जो है उसमें भी वृंदावनी सारंग में दैवत का उपयोग करने से सुर मल्हार होता है, वृंदावनी सारंग में दैवत का उपयोग करने से सुर मल्हार होता है। चलन अलग हो गया तो राग अलग हो जाता है, इस प्रकार से यदि गाया तो सुर मल्हार होता है, रे म प नी सा नी प म रे सा, ये वृंदावनी सारंग है, रे म प नी ऐसा करने से सुर मल्हार, पर केवल ऐसा करने से नहीं, सा सा प नी प म प नी द प म प म रे प, ये सब होना चाहिए मगर होते हाँ, तो स्केल वही होता है, ये समझ में आपको, सा रे म प नी सा सा नी प म रे सा, इसी स्केल को यदि अंग बदल दिया जाए तो उसका मल्हार होगा। जैसे मेघ मल्हार अभी अपने मधमा सारंग गाया, रे म प नी सा नी तो वो जाता है मेघ मल्हार, मे रे प ये करना है, रे म प नी म रे प म म प म नी और उसको सिंपल यदि स्ट्रेट वे में गाया जाए तो सारंग बन जाए। वैसे ही जब वृंदावनी सारंग को दैवत लेके हम गाते हैं तो सुर मल्हार करते हैं, म प नी म प नी सा सा नी प म प नी रा प नी नी प म प म रे म प नी सा बादल बावर सन को, सुर मल्हार का एक और अंग है जो कि होना चाहिए सा सा, ये जो है ना ये सुर मल्हार है, कैसे समझ में आया कि ये सुर मल्हार है, तो नीचे मध्य षड्श से ऊपर की षड्श तक डायरेक्ट जाना और फिर प नी पकड़ना, सा सा प नी प म प नी द प म प रे म रे, इस प्रकार से तो वो हो जाता है सुर मल्हार। और दैवत का उपयोग करके हो जाता है वृंदावनी सारंग में, दैवत का उपयोग करके होता है सुर मल्हार। और अब मैं आपको बता रही हूँ सामंत सारंग, उसमें मधमाल में मल्हार किया तो वो मेघ मल्हार होता है, मतलब वो एक ही मधमाल और मेघ मल्हार, म म ध्यान रखिए और वैसे स स ध्यान रखिए, सुर मल्हार गोड वर्ड्स और सामंत सारंग ये दोनों भी एक जैसे हैं। मंदर मोरे सावरे, बिल्कुल सारंग है, जब हम दैवत लगाते हैं तो वो सामंत सारंग होता है और मल्हार अंग से उसको गाएंगे तो वो सुर मल्हार हो जाता है और वृंदावनी सारंग में दैवत नहीं लगाना, समझ में आया।
मंदर मोरे आभूषावरे तोरे दरस बिन आखिया दरसे बरसे मंदर मोरे आभूषावरे मंदर रे मपनी सानी दपमारे सारी मारे तो जब हम सावन सावन गाएंगे तब उसको बीच बीच में वो धैवत ऐसा लगेगा कि मजा आ गया, बार बार धैवत लगाएंगे तो वो उसका चटनी जैसा उपयोग होना चाहिए। किसको? वही तो कहा ना अभी मैंने, सुर मल्हार और सावन सारंग, इन दोनों को मल्हार अंग से अलग है। पूरे स्वर वही और स्केल वही, अंग मतलब चलन में फर्क है। मल्हार अंग से उसका चलन और सारंग अंग से चलन। तो ये सारंग और मल्हार अंगों को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उससे फिर आपको मल्हार सारंग में रे कैसे लगाना है, नीपो कैसे लगाना है, ये जब समझ में आ जाता है तो वो आता है। अब इसके बाद बढ़न सारंग, बढ़न सारंग में शुद्ध गंधार का उपयोग होता है। सामन सारंग में क्या हुआ? शुद्ध धैवत का उपयोग। अब बढ़न सारंग में भर देखिए और गाने सुना है ऐसा ग बाद में बताऊंगी, पहले सुना टेंशन मत लीजिए कि अब शुद्ध गंधार गाना है, ऐसा नहीं, उसको अंदर से लाइए तो मजा आएगा। रे मा पा दी
मपनी शुद्ध निशा मपनी सानी सानी पम पम सारंग के प्रकार जो है ऐसे सरल है थोड़ी से थोड़े उसमें बहुत सारे राग नहीं है एक ही स्केल जो है सारंग का सारे मप्पा निशा सारे मप्पा निशा उसमें कभी आपने देवत जोड़ा अभी आपने शुद्ध लंका जोड़ा अब कोमल लंका जोड़ी तो लंका दहन सारंग मार्कंडेय जी ने कहा है कि तो उनके शास्त्र ग्रंथ में लिखा है कि जब हनुमान जी ने लंका जलाई तब ये गाते हुए अब गाता है क्या कोई लंका जलाते समय ये गाया अब इसको अपन ने हाँ बोल देना चाहिए बड़े लोग बोल रहे हैं मतलब लंका दहन सारंग तो मतलब मान लिया गाया या फिर उनको बहुत खुशी हुई होगी वानर तो लंका सारी जला के जब आए बहुत खुशी हुई होगी और उन्होंने जो गाया होगा वो सारंग सारंग तो आनंद का ही प्रतीक है वैसे सारंग से आनंद की उत्पत्ति तो उन्होंने गाया होगा और उसमें लंडार कोमल लगाया होगा फिर लोगों ने कहा इसको लंका दहन ऐसी उसकी कहानी हो सकती है बाकी कहीं नहीं है पढ़ने उल्लेख पर भातखंडे जी ने ऐसा कहा ऐसा नहीं लेकिन बहुत सुंदर है वो उसमें आप कोमल गंधार देखिए शरण तक आई लाज मुरिया शरण तक आई रे बस इतना करना आई राज मुरीरा शरण तक आई राज मुरीरा राखो मोहे चरण शरण सावरा शरण तक आई राखो मोहे चरण शरण सावरा शरण तक आई राज मुरीरा शरण प्राण पिया बेगी सुनली जे देखिए प्योर सारंग है और आप आगे लेकर ऐसा जोड़ के उसको लंका दहन बनाएं शरण तक शरण तक तो ये हुआ लंका दहन मेन सारंग वृंदावनी उसमें दोनों निशा न लगाते हुए सिर्फ कोमल निशा लगाया तो मधुमान सारंग फिर उसमें शुद्ध गंधार जोड़ा तो बढ़हंस सारंग शुद्ध दैवत जोड़ा तो सावन सारंग और कोमल गंधार जोड़ा तो लंका दहन सारंग ये सारे हुए अब उसमें दैवत जोड़ना है लेकिन अलग ढंग से अभी अपन ने किस ढंग से जोड़ा नीरव इस प्रकार अब जोड़ना है नीरव ये स्वर संगति देखिए तो वो होता है मियाँ की सारंग फिर से तनसेन का सारंग ये लेकिन ये नहीं वृंदावनी मतलब हरिदास जी का सारंग एस्टैब्लिश हुआ है मियाँ की सारंग जो है उसमें सारंग और मियाँ मल्ला ऐसी जोड़ी है पूर्वांग में सारंग उत्तरांग में मियाँ मल्ला रे मे सा नी सा रे म प नी ध नी सा ये
मियां मल्हार का सानी पमरे सा प्योर सारंग, जैसा हम ऊपर जा रहे हैं शुद्ध निषाद से वैसा ही उतर समय कोमल निषाद मतलब वृंदावनी सारंग, उसमें धैवत को मियां मल्हार के अंग से लेना। नीदानी सानी प म प नी प म रे म रे सा ग म रे किया तो मम्मी वाला हो जाएगा, वो नहीं करना है आपने को, अपने को सारण रखना है रे म प नी प म रे सा, मतलब नीचे भी मियां मल्हार ये करिए मजा आएगा। म प नी द नी प प म रे सारे म रे सा नी सारे म प म रे सा म प नी सा नी प म प नी द नी प म रे सारे मार। तो धैवत ले रहे हैं लेकिन कहीं है बढ़न सारण नहीं लगा, ये मियां के सारण है। तो चलन लगाओ इसको गुरुमुख से सीखना चाहिए तभी वो आता है, और पढ़ने के बाद थोड़ा लेवल अपना यदि ऊपर गया तो पढ़ने के बाद भी आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गुरुमुख से ही मतलब, तो मैंने नहीं सीखा है मियां के सारण सीखा है गुरुमुख से भी सीखा है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो अपनी बुद्धि भी प्रगल्भ होती जाती है परिपक्व होती है, और फिर हम सोच सकते हैं किसी बात को और उसका चिंतन कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसका रिसर्च कर सकते हैं, और फिर अपना एक मत एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपने को ऑथेंटिसिटी चाहिए, ऑथेंटिक लोगों का कहना चाहिए कि इन्होंने ये कहा है, इन्होंने आप कोई भी बंदिश गाओ उसमें कुछ भी करो, कुछ भी मतलब एक उसी फॉर्मेट में, लेकिन आपके पास एक तथ्य होना चाहिए कि भातखंडे जी के इस क्रमिक पुस्तक मालिका के इस पन्ने पर ये बंदिश है इसलिए ये मैं गा रही हूँ, फिर आपको कोई नहीं कहेगा कि आप ऐसा धैवत क्यों बना रहे हो। तो एक ऑथेंटिसिटी अपने में कॉन्फिडेंस होना बहुत आवश्यक है, वो अध्ययन से आता है, केवल ऐसे घर पे जाके सारी बंदिश गा ली प्रयास इससे नहीं होता, अध्ययन करिए। तो ये अभी तक जो हुए धैवत से मियां की सारंग उसके बंदिश समझ में आ गया ना आपको मियां के सारे। अब और एक धक्का वो है शुद्ध सारे जो कि बहुत प्रचलित सा रे मा पा रे मा रे, बहुत सुंदर है शुद्ध सारे। अब वैसे बात ये है कि शुद्ध सारंग जब कह रहे हैं तो यही क्यों नहीं है बिस, इसको भी होना चाहिए था शुद्ध सारंग को, पर ये नहीं है, सारंग वही है और उसमें कल्याण अंग लाकर शुद्ध सारंग की निर्मित हुई है। कल्याण अंग कहाँ होता है, तीव्र मध्यम म प ध प निरे ग प ध प सा, ये सब कल्याण अंग, इसमें जो कल्याण अंग है वो है रे मा पा ये कल्याण। तो रामाश्रय झा जी ने ये कहा कि इसको शुद्ध सारंग कहने के बजाय इसको कल्याणी सारंग कहा जाना चाहिए, जैसे गौड़ सारंग, गौड़ सारंग में सारा कल्याण ही है पर उसको गौड़ सारंग कहते हैं, वैसे शुद्ध सारंग जो है वो उसको शुद्ध सारंग न कहते हुए उसमें इतना कल्याण है कि उसको कल्याणी सारंग कहा जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है और वो काफ़ी हद तक ठीक भी लगता है। सा रे मा मा दोनों ही कुछ गया वोल्टेज कम लगा, तीव्र मध्यम आरोह में और कोमल मध्यम अवरोह में रे मा 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 रे नी सा, दो तरीके से धैवत का उपयोग इसमें होता है म प द प म प म रे और नी द सा नी रे, ये भी होता है पर मैंने इसमें बहुत सोचा इस बारे में, पर कभी भी कहीं भी किसी भी कलाकार से ऊपर उत्तराखंड में नी द सा नी ऐसा नहीं सुनाई देता,
केवल नीचे ही सुनाई देते, ये भी कल्याण अंग ही है, कहीं नहीं मा पानी सा, यही ना बंदिश, नीचे सिर्फ बहुत सुंदर लगता है ना, बड़ा एक महान सा बन जाता है उसे, लेकिन उतना ही है वो फ्रेज, उसको कहा जाता है फ्रेज, ये फ्रेज सिर्फ शुद्ध सारंग में सिर्फ पूर्वांग में ही और मंद्र सप्तक में, मंद्र सप्तक में ही ली जाती है, फिर ऊपर जाके ऐसा नहीं सुनाई दिया, मा प मा रे रे मा प नी सा नी तो यही होता है, मा प नी सा नी सा नी प मा रे मा प नी पर धनी सा नी प ही होता है बंदिशों में है मा, लेकिन वो धन धनी सा ऐसे नहीं, मतलब ये बिलावल कल्याण जैसा धनी सा नहीं, उसको स्पर्श करना है सिर्फ शुद्ध सारंग रे मा प नी आ नी प मा प रे मा रे सा। इसमें एक बंदिश है वीणा सहस्रबुद्धि की, आओ रे आओ कारे बद बड़ा था वो तपन लागे जम्मू में, प्रभात्री जी के अलग हैं, वीणा जी के अलग हैं, लेकिन शब्द तपन लागे ही है शुरुआत, तो तपन लागे जम्मू और उसके बाद वो ये वाली बंदिश आती है कि आओ रे आओ कार्य बदलो जिया मोरा अंदर ही अपना, तो वो रस की दृष्टि से भी और चित्र की दृष्टि से भी बड़ा सुंदर हो जाता है कि शब्दों तपन लगी हुई है, आज भी वैसा माहौल ही है, और उसमें आप यदि हम गाते हैं कि आओ रे आओ कार्य बदला जिया मोरा अंदर ही अपना, गाने में जब रियाज करते हैं तब भी मजा, आप देखिए जब अब ऐसा लगता है कि पानी आ जाना चाहिए तब ये बंदिश घर पे गई, बहुत मजा आया, और इसकी जो नींद ये प्रेम प्रिया की बंदिश है अब ऐसा है, धका कण लगा है
मान मान ले पिया, मैं तो जाऊं तो पे वारी 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 अब मोरी पान मान ले प्यारा मां, मैं तो जाऊं तो पे वारी 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 अब मोरी पान। प्रेम पिया देखिए ऊपर नीचे ऐसे ही, प्रेम तो ये शुद्ध सारे इसमें रे मा प मा मा प ध प मा प मा रे मा रे, ये रे का कंठ लगा के आपको मध्यम लेना है। रे मा प नी ध प मा प रे मा रे नी सा, रे मा प नी सा नी प मा प मा रे रे मा रे पा मा पा मा रा पा मा पा रे मा रे नी सा रे मा रे नी सा नी सा। इस प्रकार तो ये शुद्ध सारंग है। अब शुद्ध सारंग में जब कोमल मध्यम नहीं लिया जाता तो मूर सारंग होता है। वाह बस अब एक दो लाख रे मा प मा रे नी सा नी सा रे मा प नी प मा प मा प मा रे नी सा रे मा रे नी सा रे मा प। ये नूर सारे पर इसी में जब कोमल निशा ले लिया जाता है तो वो सरस्वती। रे मा प मा रे नी द सा, ये सरस्वती नाम का एक राग होता है। मैं सरस्वती इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे सरस्वती सारंग भी बताना है इसलिए। तो शुद्ध सारंग में जब हम कोमल मध्यम नहीं लेते तो नूर सारंग। रे मा प मा रे, लेकिन नीचे बिल्कुल शुद्ध सारंग ही रखना है। मा प मा रे नी सा नी द प नी सा रे मा रे नी सा रे मा प मा रे रे मा प ध मा प मा रे मा प नी द प ध मा प मा रे नी सा रे मा रे नहीं रे मा रे नी सा। ये नूर सारे तो शुद्ध सारंग में कोमल मध्यम निकाल दिया है तो नूर सारंग। अब सरस्वती सारंग भी एक राग है जिसमें सरस्वती राग में सारंग का उपयोग किया जाए तो वो सरस्वती सारंग होगा। सारंग अंग का उपयोग, लेकिन उसमें नी द सा रे मा। आप लोगों ने सरस्वती राग सीखा है? किसी ने भी? आपने किसी ने भी सीखा? आप लोगों ने सीखा है? रे मा रे नी बहुत मधुर राग है। मा प नी द प मा प ध नी द प ध मा प रे मा रे नी द सा रे मा प। ये सरस्वती
अब इसमें रेमा रेसा करना है। रे मा पा दा मा पा मा रे साथ सरस्वती में क्या होता है रे मा रे दा सा रे मा रे दा सा ये सरस्वती है दा सा रे मा रे दा सा रे दा सा रे मा पा मा रे बस शुद्ध सारंग में कोमल निषाद ले लिया ये भी कहा जा सकता है या सरस्वती में मरे ले लिया शुद्ध मध्यम ले लिया शुद्ध है ना रे मा पा नी दा पा का गे ते हरी मुझे अभी याद एकदम से एमएम सीखी थी मैंने बंदी पर स्थाई याद थी मोही बिसारो का गे ते हरी मोही बिसारो आहे ते हरी मोहि बिसार परे मरे ये दशा सारे मा पा मारे रे मा पा दा नी दा सा नी दा पा मारे मा पा मारे ये दशा ये सरस्वती और शुद्ध सारंग कैसा है रे मा पा मा रे मा पा नी शुद्ध नी शुद्ध सा और कोमल नी सरस्वती सारंग ऐसा हो गया है ना रे मा पा नी दा पा दा मा पा दा दा पा मा पा मा पा मा रे नी सा ये सरस्वती सारंग और रे मा पा दा मा रे ऐसा कर दिया तो आपका प्रिय राग शाम कल्याण जो शुरू में पढ़ाया था शाम कल्याण फिर वही लेके बैठ जाती है कि मैडम हम शाम कल्याण मैडम हम शाम कल्याण क्योंकि शाम कल्याण शुरू में ऐसे कहा जाता है सबसे पहला पाठ्यक्रम है शाम कल्याण एमएमए बस उसी को लेके फिर छात्राएं ऐसा नहीं करना चाहिए सारे लोगों को उतना ही पढ़ना चाहिए बहुत हर एक राग बहुत सुंदर लगता है और उसको बड़ा चिकित्सक दृष्टि से देखना चाहिए विश्लेषणात्मक दृष्टि से तब जाके ये सारंग के प्रकार आपको समझ आएंगे तो आपको कितने सारंग के आठ प्रकार बताए मैंने वृंदावनी सारंग मनमाद सारंग बढ़हंस सारंग सावंत सारंग लंकादहन सारंग शुद्ध सारंग नूर सारंग और सरस्वती सारंग और मियाँ नौ मियाँ की साथ समझ में आया आप लोगों को तो इसका केवल रागांग हरेक रागांग का जो फ्रेज होता है रे मा रे सा ये सारंग का है रे रे सा रे सा ये तोड़ी है गा रे सा ये भैरव है तो ये इसको जोड़ जोड़ के जो राग बन रहे हैं उसको अब आप घर जाके पढ़िए आपकी मैडम से आप पुस्तकें मांगे आपकी सबके पास बहुत सारी अभिनयोगिता दे की बहुत सारे एडिशंस हैं कॉलेज में ले लीजिए उनको इशू करिए और घर पे बैठ के एक एक पन्ना पढ़िए उसका बहुत रामाश्रय झा जी ने बहुत बड़ा काम किया है मार्कंडे जी जैसा ही करते हैं मार्कंडे जी ने तो बहुत ही बड़ा काम किया है लेकिन रामाश्रय झा ने बहुत उसकी अध्ययन किया है और एक बहुत सारा मैटर आपके सामने ला के रख दिया है अब पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है ठीक है धन्यवाद तो विद्यार्थियों आपको आज का व्याख्यान कैसा लगा अपने कर्तव्य ध्वनि से मुझे सर्वप्रथम अपना अपनी बहुत ही सुंदर व्याख्यान रहा इन दो दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में हम राग विज्ञान को किस तरह से आत्मसात करें ये हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है और प्रायोगिक विषय होने के कारण ये रियाज किए बिना संभव नहीं है इसलिए रियाज सबसे पहले इसकी कड़ी बनती है और मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत समय आपका
यहाँ दिया और आप हमेशा सहर्ष हमारे जो भी हम पूछते हैं आपसे आप बड़े सहजता से उत्तर भी देते हैं हमको, हमारे जिज्ञासाएं दूर करते हैं। तो उम्मीद है कि इसी तरह के और व्याख्यान आपसे हम सुने और आपका ज्ञान हम ले सके सुन सके। एक्चुअली मैं ये बोलने वाली थी गीता से मेरे को बुलाया कर, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, खूब अच्छा लगता है। पर ऐसा अब अपन ये पढ़ते हैं ऐसा नहीं होता, जैसे इन्होंने बोला ना कि आपको इस पर बोलना है तो ऐसा प्रचलित रागों का रियाज तो मेरा रहता ही है, लेकिन ये दूसरे जो राय हो ये पढ़ना पड़े और उसके कारण मेरा आते हुआ, इसलिए आपको धन्यवाद। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि व्याख्यान एक्चुअली हम क्यों रखते हैं, हमसे वरिष्ठ व्यक्ति जब हमारे समक्ष होते हैं वो अपने विषय में इतने सालों तक अनुभव लेकर के उस पर मनन चिंतन और अभ्यास करते हैं, तो उनके अनुभव का जो संग्रह है उनके द्वारा जो आत्मचिंतन किया जाता है उस ज्ञान को हम आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। इसलिए व्याख्यान रखने का ये मुख्य उद्देश्य होता है जिससे हम और उसको आगे बढ़ा सकें, अपने विषय में अपन और स्टडी कर सकें। तो संगीत विभाग की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहाँ आए।